पलवल में 1 जनवरी 2018 की रात 2 से 5 बजे तक सिर्फ 3 घंटों के अंदर एक के बाद एक 6 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले साइको किलर नरेश धनखड़ को आज फांसी की सजा सुना दी गई। साइको किलर नरेश धनखड़ को एडीजे प्रशांत राणा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने राहत की सांस ली और इंसाफ मिलने की बात कही। क्या उम्मीद थी आपको फैसले को लेकर के? दरअसल साइको किलर नरेश धनखड़ ने लोहे की रोड से एक के बाद एक 6 लोगों की हत्या की थी और पलवल की सड़कों पर ऐसा तांडव मचाया था कि पूरा शहर दहशत में आ गया था। उस रात साइको किलर ने सबसे पहले पलवल के सिविल अस्पताल में बेड पर सो रही महिला मरीज को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद साइको किलर ने 5 लोगों को सड़क पर ही मार डाला था, जिनमें से 2 चौकीदार और एक रिक्शा चालक था। आज जजमेंट की है, इसमें नरेश धनखड़ जी को फांसी की सजा दी है कोर्ट ने, और इसकी बात है 1 जनवरी की रात को और 2 जनवरी 2018 की बात है। उसमें सबसे पहले कंजू नाम की लेडीज को पलवल अस्पताल में एक रॉड से सिर में मार दिया था, और मार के बाद फिर उसे 6 आदमी का, इसके अलावा 5 आदमी का मर्डर हो गया था, जो मिलता गया मारता चले गया। तो आज कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी। आप किसकी तरफ से पेश? मैं कंप्लेनेंट अंजुम की तरफ से, तस्लीम की तरफ से था, ये पेश हुआ था लीगल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो मैं अपॉइंट किया था। उनका क्या कहना है पीड़ित परिवार का, जिसकी तरफ से आप पेश थे? उनका कहना है कि वो हमें अच्छा न्याय दिया है, जस्टिस अच्छा मिला है। आपको कितनी संतुष्टि मिली है? करीब 5 साल तो इसमें लग गए इस केस में। करीब 5 साल हो गए। मैंने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिनेश अम्बावता जी ने, दोनों ने वो इस केस में बहुत बड़ी मेहनत की है। 52 विटनेस कोर्ट में करवाए हैं और उसके बाद आज जजमेंट। बता दें कि साइको किलर नरेश धनखड़ गांव मचगर का रहने वाला है, जो कभी सेना में लेफ्टिनेंट भी हुआ करता था। साल 1999 में नरेश सेना में भर्ती हुआ था, जिसके बाद प्रमोशन के जरिए उसे एसडीओ का पद मिला था। नरेश ने 6 लोगों की हत्या करने के बाद गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया था। 15 साल पहले नरेश की शादी पलवल निवासी सीमा के साथ हुई थी। नरेश और सीमा को 13 साल का एक बेटा भी है। पत्नी सीमा नरेश को छोड़कर अपने मायके में रहती है, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।